विशेष धम्म देशना आज दिनांक 19 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं, जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी ओरिजिनल वाणी पूज्य भिक्खु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने संभाल के रखा है। तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध बनने के बाद जो कुछ भी सिखाया, बुद्ध बनने के बाद अंतिम सांस तक उनके सारे उपदेशों को भिक्षु संघ ने संग्रहित करके इकट्ठा करके त्रिपिटक के रूप में संभाल के रखा है। और आज भी वो त्रिपिटक हजारों सालों से उपलब्ध है। उन्हीं त्रिपिटक ग्रंथ के आधार पर हम ये विशेष धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग श्रद्धा से उसे सुने समझे, उस पर चिंतन मनन करे, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से उस पर चिंतन मनन करे और अपने बुद्धि से चिंतन मनन करके उसे परीक्षण करके निरीक्षण करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करे तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्मील है। यह हमारा मनुष्य जीवन भ्रम भ्रांति के कल्पना के जाल में नहीं निकलना चाहिए। बहुत बार हम कल्पनाओं में भ्रम भ्रांति में संकल्प करते रहते हैं, जीते रहते हैं, सच्चाई को ठीक से नहीं जान पाते और नहीं जान पाने की वजह से जीवन का जो हमने जीवन को सार्थक करना चाहिए उसका सही माने में लाभ अपने वर्तमान ही जीवन में लेना चाहिए वैसा हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध की जो देशना ये बड़ा कल्याण करने वाली है और हर एक मानव के लिए सभी के लिए कैसा उसका कल्याण हो, कैसा मंगल हो, इस भावना से तथागत बुद्ध ने बड़ी महाकरुणा भावना से ये देशना दी है। आज हम मझ्झिम निकाय के उपाली सूक्त पर कुछ चर्चा करेंगे। मझ्झिम निकाय का उपाली सूक्त हम उसे ओरिजिनल ग्रंथ से ही पढ़ते हैं। उपाली सूक्त एवं मे सुतं एकं समयं भगवा नालंदाय विहरति पावारी कंब वने तेनकोपन समयेन निगंठो नात पुत्तो नालंदाय पटिवसति महतिया निगंठ परिसाय सद्धि अथको दिगतपस्सी निगंठो नालंदाय पिंडाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिंडपात पटिकंतो येन पवारी कंबवनं येन भगवातेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंतं सद्धिं संबोधि संबोधनीयं कथं सारणीयं वित्तिसारित्वा एकमंतं अट्ठासी
एकमतं तितंखो दीघ तपस्वी निगंठं भगवा एतदवोच संविजंती खो तपस्वी आसनानी सचे आखंसी निशिदाती एवं उत्ते दीघ तपस्वी निगंठो अन्यतरं निचं आसनं गहित्वा एकमतं निशिदी। एक बार तथागत भगवान बुद्ध नालंदा के पावारीक आम्र वन में विहार कर रहे थे कुछ भिक्षु संघ के साथ। और उसी वक्त नालंदा में निगंठ नाट पुत्र वो भी नालंदा में ही अपने बड़े परिषद के साथ निगंठ परिसाय उनके साथ वो भी वहां पर विहार कर रहे थे। तो ये निगंठ नाथ पुत्र का एक शिष्य जिसका नाम था दीघ तपस्वी, ये दीघ तपस्वी को ऐसा लगा कि उन्होंने भिक्षाटन करने के बाद ये दीघ तपस्वी उन्हें लगा कि चलो बुद्ध भी यहां पर रुके हुए हैं, जाएं बुद्ध से मिले। ऐसा सोचकर दीघ तपस्वी वो जहां बुद्ध बैठे थे उस आम्र वन में वहां पर बुद्ध के नजदीक गया और नजदीक जाकर खड़ा होकर उन्होंने बुद्ध से कुछ बातचीत की। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बैठो दीघ तपस्वी, बैठो, कुछ पूछना हो बैठकर बात करेंगे। तो उस समय दीघ तपस्वी वो एक आसन लेकर नीचे आसन में बैठ गए और तथागत बुद्ध के पास बैठकर अब उनसे चर्चा शुरू हो गई। कतिपन तपस्वी निगंठो नाट पुत्तो कम्मानी पंजे पेती पापस कम्मस क्रियाय पापस कम्मस पवत्याति। तो बुद्ध ने उनको पूछा, तपस्वी को, दीघ तपस्वी को, के कितने कारणों से निगंठ नाथ पुत्र ये पाप कर्मों को कैसे बताते हैं, कैसे उनका विवरण करते हैं। ऐसा दीघ तपस्वी को भगवान ने पूछा। तब वो कहने लगे के नखो आउसो गौतमंग आचिन्दंग निगंठस नाटपुत्तस कम्मंग कम्मंग ती पन्यपेतुं दंडंग दंडंग ती खो आउसो गौतमंग आचिन्दंग निगंठस नाटपुत्तस पन्यपेतुं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, निगंठ नाटपुत्र जो है वो कम्म कम्म नहीं कहते, कर्म नहीं कहते हैं, वो कहते दंड दंड कहते हैं। वो दंड बताते हैं तीन प्रकार के दंड, कर्म की बात वो नहीं करते। तो वो बात जो करते हैं, तीन प्रकार के दंड होते हैं। एक है काया का दंड, यानी काया को दंडित करना, काया को संयमित करना बोलो या दंडित करना। उसी प्रकार वचन यानी वाणी को दंडित करना, वाणी दंड वचन दंड कहते हैं। और उसी प्रकार मन दंड यानी मन को दंडित करना। तो दंड दंड की बात कहते हैं और ये तीन प्रकार के दंड सिखाते हैं हमें। उन तीन में से सबसे बड़ा जो दोष युक्त जो अनेक प्रकार के बुरे काम कर सकता है उसे कहते हैं काय दंड, यानी काया, ये शरीर, ये शरीर ही बुरे से बुरा काम कर सकता है। इसलिए ये काय दंड पर हम ज्यादा जोर देते हैं, दूसरे पर नहीं, वाची दंड पर नहीं, वचन दंड पर नहीं, और मन दंड पर नहीं, लेकिन काय दंड पर हम ज्यादा जोर देते हैं। तो
इस प्रकार से उनका वार्तालाप हो रहा। तीन को आयुष गौतम की तीन प्रकार के जो दंड सिखाए जाते हैं उनमें जो काय दंड पर ज्यादा बल दिया जाता है। तब बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को पूछा गया कि आप क्या सिखाते हैं, तो बुद्ध बताने लगे कि हम ये दंड दंड नहीं सिखाते, हम जो सिखाते हैं कर्म की बात सिखाते हैं कि जो अय्या उसु गौतम काय दंडं इमे संपन्न तपस्वी तीन दंडानं, तो हम दंड की बात नहीं, हम तो सिखाते हैं कर्म की बात। तो इमे संख आयुष गौतम तीन दंडानंग एवं पटी विभत्तानंग एवं पटी विसठानंग और काय दंड को जो आप सिखाते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध जो सिखाते हैं वो दंड की बात नहीं, वो कम्म की बात सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं और ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक है वाणी से किए हुए कार्य, उसे कहते वाचा के कर्म, वाचा के कर्म वचन कर्म। दूसरे होते हैं शरीर से किए हुए कर्म, शारीरिक कर्म, शरीर द्वारा किए हुए कार्य। और तीसरे होते हैं मन के कर्म, मनो द्वारा किए हुए कार्य। तो हम तीन प्रकार के कार्य बुद्ध सिखाते हैं, हम तीन प्रकार के कार्य सिखाते हैं। और इन तीन प्रकार के कार्यों में हम सबसे अधिक बल मन के कर्मों को देते हैं कि मन का जो कर्म है वही महादोष युक्त होता है। मन के कर्म ही सबसे अधिक दोष युक्त होते हैं, तो हमने अपने मन को ही हमेशा संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। मन के कर्म को ही हमने अधिक से अधिक सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति आती है। तो मन के कर्म ये बहुत ही बलशाली होते हैं और वही अधिक से अधिक हमारे जीवन में सुख शांति देने वाले भी होते हैं, या बहुत दुख दर्द या बहुत परेशानी या बहुत दुष्कर्म जो होते भी हैं वो मन की वजह से होते हैं। तो मन के कर्मों को ही हम प्रधानता देते हैं, ऐसी बात उन्होंने दीघ तपस्वी से की। तो दीघ तपस्वी ये सारी सुनकर बड़ा प्रभावित हो गया, उनको समझ में आने लगा। और उसके बाद फिर वहां पर ही एक बड़े धनी और बहुत ही सपोर्ट करने वाले एक उपाली गृहपति थे जो निगंठ नाथ पुत्र को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मतलब उनका प्रभाव भी था गृहस्थों में, वो गृहस्थ थे उपाली गृहस्थ। तो उनको भी लगा कि चलो तपस्वी बैठे हैं, मैं भी जाकर भगवान बुद्ध से बात कहूं और भगवान बुद्ध की बात मैं सुनूं। ऐसा मन में ठान कर वो उपाली गृहपति वो भी भगवान बुद्ध के पास आ गया। और भगवान बुद्ध के पास आकर वो कहने लगा, ये बातें वो भी सुनने लगा और बुद्ध वो बात समझाने लगे कि मन का कर्म कैसा अधिक महत्व का होता है, ये दंड नहीं तो हम कर्म की बात कहते हैं। और ये समझाते ये सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है, हम बहुत शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। तो बाद में जब उपाली वहां पर आ गया तो उपाली को तथागत भगवान बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा कि
आप जो ये कर्म की बात करते हैं, मन की बात कहते हैं, ये कैसा, वो हमें समझा के बताओ। तो बुद्ध कहते तंकी मयसी गहपति इधर से निगंठो आभाधिको दुखितो बाढ़ गिल्लानो शीतो दक पटिखितो उन्नो दक पटी सेवी सो शीतो दकंग अलभ मानो कालंग करिय इमसपन गहपति निगंठो नाटपुतो कत्थुपत्ति पंजे पेती थी। तो उन्होंने डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि आप क्या समझते हो कि मान लो कोई व्यक्ति जो निगंठ निगंठ कोई है निर्गंथ है और वो बीमार हो गया और बहुत गहरी बीमारी ठंडी में हो गई और बढ़ने लगी और ऐसी बीमारी बढ़ते 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 उनका उस बीमारी की वजह से यानी मृत्यु हो गई उनकी। तो मृत्यु होने के बाद आप क्या समझते हो कि वो कहाँ मतलब उनका वो कहाँ जन्म होगा, कहाँ वो जा सकेंगे, कहाँ वो पैदा होंगे। तो अथि बनते मनोसत्ता नाम देवा तत्सो उपपद्यति। तो उपाली कहने लगे बुद्ध को कि मनोसत्ता नाम का एक देवताओं का वर्ग है, मनोसत्ता नाम के देवता होते हैं। तो यदि इनकी मृत्यु हो गई किसी की तो ये मृत्यु के बाद ये मनोसत्ता देवता के लोक में वो जन्म लेंगे, वहां उनका जन्म होगा। असु ही बनते मनो पटिबद्धो कालन करोती मनसी करो ही गहपति मनसी करित्वा को गहपति व्या करोती नखो ते संधियंती पूर्वे न वा पश्चिमंग पश्चिमे न वा पूर्वमंग भाषिता खो पनते न गहपति ऐसा वाचा सचे अहं बनते पतिठाय मनते सामी हो तू नो एथंग कल्ला सल्ला कथा सन्ना पोती। तो इस बात पर आगे और भी चर्चा चलने लगी। तो उन्होंने कहा आप कहते हो कि उनका मृत्यु के बाद जन्म जो मनोसत्ता नाम के देवता लोक में होगा, हाँ ऐसा मैं कहता हूँ। तो ये तो आपने जो पहले जो बात कही है कि जो काया का दंड काया की वजह से ऐसा होता है, ये जो उनका जन्म होगा वहां पर, ये किसके बल पर होगा, काया के बल पर होगा, शरीर के बल पर होगा? तो नहीं, शरीर के बल पर नहीं होगा, ये तो मन के बल पर होगा। मनोसंचेतना, मन का वैसा जो चिंतन यदि है उसका, मन की चिंतन की वजह से, मन की वजह से उनका जन्म मनोसत्ता नाम की देवलोक में होगा, यानी मन की वजह से होगा। तो ये बात उनके समझ में आने लगी कि सही बात है, मन ही प्रमुख है। शरीर तो एकदम बीमार हो गया, दुर्बल हो गया और शरीर की तो मृत्यु हो गई, तो शरीर को दंड देकर शरीर की वजह से तो उनकी देवता लोक में उत्पत्ति नहीं होने वाली, क्योंकि शरीर तो शरीर है, उसकी वजह से उत्पत्ति नहीं होती, उसकी वजह से जन्म नहीं होता है, शरीर की वजह से जन्म नहीं होता है, जन्म होता है मन की वजह से, मन के संकल्पों से, मन के संचेतन से। तो ये बात उनको बहुत भा गई, हाँ सही है, ये तो मन ही प्रमुख है, मन का संचेतन, मन की चेतना ही उसे मृत्यु के बाद उस लोक में जन्म दिला सकती है। फिर और भी दूसरा प्रश्न वहां पर पूछा गया, यहाँ बड़े बहुत प्रश्न है तो महत्व के एक दो पर मैं चर्चा करूंगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया तंकी मयसी गहपति अयंग नाड़ंदा इद्दा च व पिता च बहुजना आकिन्न मनुष्या एवं बनते अयंग नाड़ंदा इद्दा च व पिता च बहुजना आकिन्न मनुष्याति तंकी मयसी गहपति इद पुरुषो आगच्छेय उखिता सिको सो एवं बदेय अहं यावतिका इमिस्सा नाड़ंदाय पानाते एकेन खनेन एकेन बहुतेन एकं मंस खलं एकं मंस पुंजं करिष्यामि। तो उन्होंने उपाली को दूसरा प्रश्न पूछा बुद्ध ने कि तुम बताओ तुम क्या समझते हो कि ये जो नाड़ंदा शहर है, ये नाड़ंदा शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं
बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, और कोई व्यक्ति यदि आता है और अपने आकर एक प्रदुष्ट भावना से उसे लगता है कि नारंदा के इन लोगों को मैं मार लूंगा, सभी को मैं काट दूंगा, सभी को मैं मार लूंगा, उनकी सभी की मैं हत्या करूंगा और सारे नारंदा शहर को मैं नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा, सभी लोगों को मैं मार लूंगा, उनका मैं मनस पुंज बना लूंगा। ऐसा यदि वो विचार करता है और वो विचार करके अपने 10 लोगों को लाता है, 20 लोगों को लाता है, 30 लोगों को लाता है, 40 लोगों को लाता है, 50 लोगों को लाता है और कहता है कि हमारे 50 लोग, ये सारे नारंदा शहर में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको काट कर मार कर उनका मनसब पुंज बना देंगे, सभी की कत्तर कर देंगे और पूरे नारंदा शहर को वो बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे हमारे 50 लोग मिलकर। तो ऐसा यदि कोई सोचता है तो उपाली क्या संभव है 50 लोग या 100 लोग नालंदा शहर को हम पूरा बर्बाद कर दे, ऐसा संकल्प करके अपने शरीर से लोगों को काटने लगे, मारने लगे अपने हाथों से मारने लगे, काटने लगे, तो क्या ये नालंदा शहर में रहने वाले सभी लोगों को वो क्या मार पाएंगे, काट पाएंगे? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये संभव होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ये ऐसा प्रश्न पूछा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, तंकी मयसी गहपति इधर आगछे य समन वा ब्राह्मण वा इधिमा चेतो वसी पत्तो सो एवं वदेय अहं इमं नारंदं एकेन मनोपदोषेन भस्मं करिष्यामीति। तंकी मयसी गहपति पहोति नुकोसो समन वा ब्राह्मण वा इधिमा चेतो वसी पत्तो इमं नारंदं एकेन मनोपदोषेन भस्मं कातुंति। फिर उसको ऐसा प्रश्न पूछा कि एक तो 50 लोग आकर नारंदा को नष्ट करने का कोई संकल्प करते हैं और नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या कर पाएगी क्या, ये एक प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा उनको कि यदि कोई रिद्धिमान कोई श्रमण या ब्राह्मण आता है जिन्होंने रिद्धि सिद्धि को हासिल किया है, अपने चित्त पर मन पर उन्होंने बहुत एक बल पाया है, मन को बहुत बलशाली बना है, रिद्धि संपन्न मन को बनाया है, और ऐसा उसका वो यदि रिद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने मन का अभ्यास किया है, रिद्धि का अभ्यास किया है, रिद्धि सिद्धि का अभ्यास किया है, और ऐसी रिद्धि उसने पाई है, एक व्यक्ति ने, एक कोई श्रमण ने या ब्राह्मण ने या किसी व्यक्ति ने, और वो मन में सोचता है अपने रिद्धि के बल से, मन के बल से, कि मैं यदि संकल्प करूं मेरे रिद्धि का मैं प्रदर्शन करने का प्रयास करूं तो कुछ ही क्षणों में मैं ये नालंदा शहर को जला सकता हूं, उसको भस्म कर सकता हूं, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो उपासक बड़ा बुद्धिमान भी था, उन्हें कहा हाँ हमने सुना है रिद्धिमान आदमी यदि मन में संकल्प करे और अग्नि की रिद्धि वो प्रज्वलित करे, अपने रिद्धि से अग्नि को प्रज्वलित करे, तो सारे नालंदा शहर को वो भस्म कर सकता है, अपने मन के संकल्प से भस्म कर सकता है। तो बताओ कौन सा कर्म अधिक बलशाली होता है, मन का या शरीर का? तो उसको बात समझ में आ गई कि तो मन में ही बड़ी शक्ति है, मन ऐसा कर सकता है, अकेला व्यक्ति, रिद्धि संपन्न व्यक्ति सारे शहर को जला सकता है अपने मन के बल से, लेकिन 50 व्यक्ति या 100 व्यक्ति उस नालंदा शहर को भस्म नहीं कर सकते, उसको मतलब सभी लोगों को नहीं मार सकते, नहीं काट सकते, लेकिन अकेला व्यक्ति यदि चाहे तो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो ये बात जब उसके समझ में आ गई तो उनको समझ में आने लगा कि सही बात है,
मन का ही तो कर्म प्रमुख है, मन में ही तो अधिक शक्ति है, पाप करने की शक्ति भी मन में ही है। यदि वो कोई पाप करने का प्रयास करे तो अपने क्रुद्ध मन से वो अरण्य को जला सकता है, वो जो वो नुकसान करना चाहे कर सकता है। तो मन की शक्ति बड़ी है, मन की शक्ति बड़ी है यानी शरीर की नहीं, ये बात उपाली की समझ में आ गई। और जब उपाली के बात समझ में आ गई तो उपाली बहुत प्रभावित हो गया, बहुत प्रभावित हो गया, और बड़ा प्रभावित होकर वो कहने लगा, अभिकंतंग बनते से यथापि बनते निकुज तंग वकुज्य पटी छंदंग विवर रेय। वो बुद्ध को वंदन करने लगा, कहने लगा कि भगवान आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, आपने मेरी दृष्टि खोल दी। मैं तो आज तक यही मान के चल रहा था कि काया के ही कर्म प्रमुख होते हैं, वाणी के ही कर्म प्रमुख होते हैं, यही मानकर मैं चलते रहा हूं, यही मैंने मुझे सिखाया गया है। लेकिन आज जो आपने हमारे द्वार खोल दिए हैं, बुद्धि के द्वार खोल दिए हैं, दीपक आपने जला दिया है, अंधकार में हम जी रहे थे वहां प्रकाश का दीपक आपने जला दिया है, और मैं आज समझ गया हूं कि शरीर के कर्म नहीं, वाणी के कर्म नहीं, तो मन के कर्म, मन ही प्रमुख है। ये बात मेरे आज समझ में आ गई, इसीलिए आपने मुझे प्रकाश दिया है, अंधकार से मुझे बाहर निकाला है। तो भगवान मैं बुद्ध को शरण जाता हूं, मैं आपको शरण जाता हूं। इस प्रकार वो उपाली बुद्ध को कहने लगा। तब भगवान बुद्ध उनको कहने लगे कि उपाली देखो, तुम बहुत सोच समझ कर विचार करो, तुम तो बहुत बड़े आधार हो, बहुत बड़े सहायक हो, और ये ऐसा यदि तुमने निर्णय लिया तो ये बहुत स्वयं अच्छा सोच समझ कर ये विचार करो। इस प्रकार वो जब बोलने लगे तो उपाली कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत मैंने विचार किया है, और मुझे ऐसा लगने लगा कि यही कल्याणकारी मार्ग है, ऐसा मुझे लगने लगा। आपने और भी मुझे जो दूसरी बार कहा है कि बहुत सोचो, केवल भावनावश न ऐसा कहो, तो मैं दूसरी बार बुद्ध को, धम्म को शरण जाता हूँ, संघ को शरण जाता हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं कि देखो उपाली, तुम्हारा कुल बहुत लंबे समय से निर्ग्रंथ के लिए एक प्याऊ की तरह तुम्हारा कुल रहा है, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा उनका सहायक रहा है, और ये सहायक रहने से तुम ऐसा ना करो कि अभी यदि तुम बुद्ध को वंदन करते हो, बुद्ध को शरण जा रहे हो, तो ऐसा ना करो कि कोई यदि वो लोग आते हैं निर्ग्रंथ आपके यहाँ, वो जब आते हैं, वो परिवार जब यदि कोई आते हैं तो उनके लिए अपने घर का दरवाजा बंद ना करो, उनको भी सपोर्ट करो, उनको भी दान दो, उनके प्रति मन में द्वेष निर्माण ना करो, उनके प्रति वही भाव रखो जैसा पहले से तुम्हारा भाव था। ऐसा जब और भी जब बुद्ध ने उनको बताया तो और भी बड़ा प्रभावित हो गया वो, कि देखो बुद्ध की महानता। बुद्ध कहते हैं कि भाई वो जो पहले से जैसे तुम उनको सपोर्ट करते थे, अभी भी सपोर्ट करते चलो। तो ये जब बुद्ध की जो महानता है कि केवल मुझे ही सपोर्ट करो ऐसी बात नहीं, मुझे ही मानो ऐसी बात नहीं, तो उनको भी तुम मानते रहो, तुम निर्णय अपने मर्जी से लो, और उनको भी सहाय दिया करो, और उनका भी आधार बनते रहो। तो ये जब कहा उन्होंने तो उससे और भी बड़ा प्रभावित हो गया, और प्रभावित होकर वो कहने लगा कि मैं तो दूसरी बार तीसरी बार बुद्ध को, धम्म को और संघ को शरण जाता हूँ, उसके मुझे बहुत सोच समझ कर मैं शरण जाता हूँ। उसके बाद तथागत बुद्ध ने उन्हें कुछ सद्धम्म की बात बताई, चार आर्य सत्य की बात बताई कि कैसे चार आर्य सत्य होते हैं, दुख कैसे होते हैं, दुख क्यों निर्माण होते हैं, कैसे दुख के
कारण होते हैं, कैसी वजह होते हैं, कैसे हम दुखों को भी इसी वर्तमान जीवन में नष्ट कर सकते हैं और निर्दुख होकर कैसे सुख का शांति का जीवन वर्तमान वर्तमान में ही जी सकते हैं और वर्तमान में ही सारे दुखों को खत्म करके, सारे दुखों का अंत करके हम निर्दुखी होकर कैसे सुख शांति से जी सकते हैं, ये बात तथागत बुद्ध ने उनको और भी बताई तो उससे वो और भी बड़ा प्रभावित हो गया, बड़ा प्रभावित हो गया। और उसके बाद फिर ये दो लोग, एक तो दीघ तपस्वी और उपाली, ये दोनों बुद्ध के शिष्य बने, बुद्ध को शरण गए और उन्होंने बुद्ध मार्ग को अपनाया। तो ये बात जब उनके समझ में आ गई तो बाद में स्वयं निर्गंठ नाटपुत्र ये बात को सही है या गलत है ऐसा कहने के लिए उपाली के पास गया कि भाई ऐसा ऐसा हमने सुना है कि तुम बुद्ध को सपोर्ट करने लगे हो, बुद्ध का शरण गए हो, ये बात सही है क्या? तो उपाली ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो सद्धम सुना था वो सारा समझा के बताया और समझा के वो कहने लगे कि मैं बुद्ध का श्रावक बन गया हूँ, मैं बुद्ध को मानने लगा हूँ क्योंकि बुद्ध ने जो मुझे सिखाया है, जो मुझे बताया है वो बहुत ही कल्याणकारी है। संतस भूरी पंयस महापंयस वीत लोभस तथागतस सुगतस अपटी पुगलस असम विशारदस निपुणस भगवतो तस सावको हस्मि। कि बुद्ध का बहुत वर्णन करने लगा, बहुत यहाँ पर लंबा उसका वर्णन दिया हुआ है और वो कहने लगा कि मैं बुद्ध का श्रावक बन गया हूँ, मैं बुद्ध का अनुगामी बन गया हूँ, बुद्ध का अनुगामी बन गया हूँ। इस प्रकार उपाली ने वो कन्फर्म किया और ये दोनों व्यक्ति बुद्ध के इस संवाद के बाद बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने ऐसा जान लिया, मान लिया, अनुभव किया कि अंधकार से हम निकलकर प्रकाश में आ गए हैं। सही माने में हमारे उद्धार के रास्ता, उद्धार करने का जीवन को इसी वर्तमान जीवन में ही अनंत सुख शांति देने वाला निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग मिल गया है, ऐसा उन्होंने दोनों ने कंफर्म किया और विशेष रूप से उपाली ने। और जब ये सुना उन्होंने तो वो बहुत दुखी बने, बहुत उद्विग्न बने और वहाँ से वो फिर चले गए उपाली के यहाँ से। तो इस प्रकार का ये सूत्र इस मध्यम निकाय में उपाली सूत्र नाम से यहाँ पर आया है जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की। तो इस चर्चा में यही प्रमुख बात है कि हमारे जीवन में मन यही प्रमुख होता है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद की गाथा में, मनोपुभंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया मनस्साचे पसन्ने न भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। और मनस्साचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततोनं दुखमन्वेति चक्कं वा वहतो पदं। ये जो धम्मपद की पहली गाथा में तथागत बुद्ध ने ये मन के महत्व को समझाया कि मनुष्य जीवन में ये मन कितना महत्व का है, कितना कल्याणकारी है और इसीलिए मन को कैसे हमें सुधारना है यही रास्ता बुद्ध ने बताया है। यदि मन अच्छा बने तो शरीर के कर्म अच्छे अपने आप बन जाते हैं, वाणी के कर्म अपने आप अच्छे बन जाते हैं। जिस प्रकार ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, वो ड्राइवर प्रशिक्षित हो तो ट्रेन बड़ी अच्छी ढंग से चलेगी। बस चलाने वाला ड्राइवर, वो यदि अच्छा प्रशिक्षित हो तो बस अच्छी चलेगी। बस में ड्राइवर का बहुत महत्व का रोल है। तो बस चलाने वाला ड्राइवर यदि अच्छा प्रशिक्षित है तो वो बड़े अच्छे ढंग से उस बस को चलाकर सभी को बड़े सुखरूप पहुंचा देगा, स्वयं सुखरूप जाएगा और उनको भी सुखरूप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा क्योंकि ड्राइवर।
तो यह ड्राइवर बड़ा महत्व का होता है, बस महत्व की नहीं, तो ड्राइवर का बहुत बड़ा महत्व है कि वो सब किस प्रकार से चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस प्रकार से बस पर कंट्रोल करना चाहिए, ये सारी बातें ड्राइवर के हाथ में होती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमारा मन ये ड्राइवर का काम करता है, हमारे कर्मों को दिशा देने का काम करता है, वो हमारे वाणी के कर्मों को दिशा देता है, हमारे शरीर के कर्म को दिशा देता है। इसलिए मन का कर्म ही, मन की एक्शन ही ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही इस सूत्र का एक महत्वपूर्ण ऐसा सार है। बहुत लंबा सूत्र है, लेकिन हमने थोड़े में बताने का प्रयास किया। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, मंगलमय आप सभी की जीवन यात्रा हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।